स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट अनाउंसमेंट में एक बड़ी घोषणा हो रहा है, वो है वन स्टेट वन इलेक्शन। यह कॉन्सेप्ट वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और राजस्थान में अगर ये लागू होता है तो देश का पहला राज्य होगा, ये बड़ी बात होगी। तो चलिए, कैसे होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बातें हैं, और क्या इसके सामने चैलेंजेज होंगे, क्योंकि इसी साल 86 लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन होने हैं, वो कैसे मैनेज होंगे, पंचायतों के चुनाव अगले साल होने हैं, वो कैसे, क्या कोई मिड टाइम निकाला जाएगा, कैसे होगा, ये तो गवर्नमेंट की जो अपनी रूपरेखा है उसमें। लेकिन हाँ, पब्लिक क्या सोचती है और अभी क्या चर्चा है इसको लेकर, तो हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ एस के सुराना साहब हैं, हमारे सहयोगी अनिल सेन हैं, भाजपा से पंकज जोशी साहब हैं, और कांग्रेस से भरत मेघवाल साहब हैं। जोशी साहब और भरत मेघवाल जी दोनों ही जनप्रतिनिधि, ये जयपुर के मेयर रहे हैं। भरत मेघवाल अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है जयपुर ग्रेटर में। मैं पंकज जी आप ही के पास आना चाहूँगा, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है और कुछ न कुछ विचार किया होगा, उसकी एक्सरसाइज की होगी तभी अनाउंसमेंट हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फायदे कई तरीके के फायदे हैं, क्योंकि आप देखें कि एक स्टेट के अंदर जो है एक बहुत बड़ा वो नहीं होता, और उसमें भी जो है तीन तीन चार चार बार इलेक्शंस होना, तो बहुत सारी, क्योंकि अब निकाय काफ़ी हो गई हैं, काफ़ी जो हैं लोग उसमें हैं, तो कहीं ना कहीं बजट जो अमाउंट होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही होता है, उन्हीं के अंडर में आते हैं, और कार्यकाल उनका अलग अलग होने के बाद कई बार देखिए बजट में भी प्रॉब्लम होती है, और विकास कार्यों में अवरुद्धता रहती है कि विकास कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन के कारण रुके रहते हैं, कहीं ना कहीं जो है उनकी आचार संहिता लगी रहती हैं, और आचार संहिता का रीज़न क्या होता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लगी होने के कारण जिनमें आचार संहिता नहीं है वहाँ भी कई बार इसकी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिलती हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि हर एक बार बार इलेक्शन होने से एक्सपेंडिचर पर कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना एक्सपेंडिचर जो है अलग अलग उस पर आता है, क्योंकि वन एक बार इलेक्शन होने से शायद एक्सपेंडिचर का कहीं ना कहीं जो है उस पर भार जो है प्रदेश पर कम पड़ेगा। ये वैसे कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी जो है इसका निर्णय करेगी, वो सारे आकलन करके देगी, लेकिन इन चीज़ों के जो है देखते हुए और बार बार, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ एक मैं और बताऊंगा कि कई बार आदमी का जो है, देखिए वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत छोटा फिगर है, बहुत ही छोटा फिगर है, जिसमें ये होता है कि कई बार कहीं ना कहीं जो हम लोग कहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें ये होता है कि आज कई लोग जो हैं ऐसा है कि आज इलेक्शन यहाँ पर है तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पर है, और यदि साल भर बाद मेरा इलेक्शन गांव में है तो होता ही है कि कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं इलेक्शन में बहुत छोटे इलेक्शन होते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों का होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी नाम जुड़वाने की पोजिशन रहती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं इनको एक बिल्कुल क्लीन और इसके होने के लिए ये होना चाहिए कि एक स्टेट वन इलेक्शन। चलिए, बिल्कुल एक इलेक्शन का महाकुंभ होगा अगर ऐसा होता है तो। भरत, आपकी पार्टी के कहना है कि संभव नहीं है ये, हम भी चाहते थे ऐसा हो लेकिन ग्रास रूट पे बड़ी दिक्कतें, क्यों दिक्कतें होंगी अगर कहीं पे भी, ये देखिए पॉलिटिकल विल पावर की बात है, राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ करके किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब करे कौन? तो अगर होता है तो क्या आपको लगता है कि सहज होगा, जैसे पंकज जोशी साहब कह रहे हैं कि डबल वोटिंग का कोई कुछ लोग वो नुस्खा निकाल के रखते हैं कि मैं यहाँ भी वोट डाल दूँ और दूसरी जगह भी डाल दूँ, चले वो तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप अगर प्रदेश में कोई काम कराने जाते हैं तो कहीं से आचार संहिता लगी हुई है, तो जो आचार संहिता का एक भूत चढ़ा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक बार उतर के खत्म होगा, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता तो एक बड़ा फायदा भी होगा? नहीं, देखिए जिस हिसाब से अभी ये जो घोषणा की गई है धरातल पर स्वाभाविक बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं, उसके कई कारण हैं, कई कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जब चुनाव होते हैं तो जो उसमें ड्यूटी लगती है उस ड्यूटी अधिकारियों की लगती है, कर्मचारियों की लगती है, जैसे निगम से हो गए, एडीएम से हो गए, कलेक्टर से हो गए, कुछ स्कूल्स हो गए, तो इतनी बड़ी तो मैन पावर नहीं है कि पूरे राजस्थान में इतने बड़े चुनाव कराए जा सके, 52 से ज़्यादा नगर निकाय हैं, जिला प्रमुख हैं, पंचायत है, सरपंच है, जिला परिषद सदस्य, तो इतने बड़े लेवल पर चुनाव करवाना एक साथ संभव नहीं है। हमने देखा कि अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 7 चरणों में चुनाव हुए, 7 चरणों में भी हमें देखना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा आया वो 10 दिन बाद आया और उसमें भी कई कमियां रही। आचार संहिता की आपने बात कही, देखिए आचार संहिता एक बहाना लेकर रखा है अधिकारियों में काम ना करने का। आचार संहिता के अंदर सिर्फ आप नए टेंडर नहीं कर सकते, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते और कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि जो राज्य सरकार है या जो भी चुनाव है संबंधित जनप्रतिनिधि को कोई फायदा ना हो। उससे पहले जो टेंडर हो चुके होते हैं जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी है वो काम कैरी ऑन रहते हैं, नए तरह का कोई उद्घाटन नहीं होता। लेकिन इस सरकार का जो ध्येय है वो ध्येय सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है,
डीलिमिटेशन अभी 2026 में होने की संभावनाएं बताई जा रही है विधानसभा का। नगर निगम का चुनाव अगले साल डेढ़ साल बाद पेंडिंग है। नगर पालिकाएं जो नवगठित हुई थी उनका इस साल चुनाव होना था, लेकिन आज मैं एक पेपर में या एक प्रिंट में देख रहा था उसके लिए भी मनाही कर दी गई और डिलिमिटेशन वगैरह को भी रोककर पहले कमेटी का गठन किनके द्वारा किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके जो पीछे ये जो तर्क दे रहे हैं कि आर्थिक बोझ कम होगा, वो बहुत ही सही तर्क में मुझे नहीं लगता। अलग अलग अगर चुनाव होते हैं तो मैन पावर भी अलग अलग यूज़ हो पाएगी, अलग अलग तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। डेढ़ साल बाद नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके अंदर अगर आप पूरे प्रदेश का एक साथ चुनाव कराएंगे उससे मुझे नहीं लगता कोई आर्थिक फायदा मिलेगा। ये सिर्फ एक भ्रामक जाल देने का काम है कि जो बजट घोषणाएं थी उस बजट घोषणाओं में इस तरह का कोई काम नहीं किया गया जिससे जनता को फायदा होता। आप देखिए, पहली बार मुझे भी ऐसा देखने को लगा है कि राजस्थान का बजट आया और उस बजट की चर्चा ही कहीं नहीं हो रही, सेम डे चर्चा नहीं थी। इवन बीजेपी के लोग ही चर्चा नहीं कर पा रहे तो बाकी विपक्ष और दूसरा तो क्या चर्चा करेगा। तो एक छोटा सा मुद्दा है, मुझे नहीं लगता है ग्रास रूट पर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। आपको किस पता लगा कि बीजेपी में चर्चा नहीं, बीजेपी ने तो वर्किंग कमेटी बुलाई है बजट के चक्कर में। देखिए, कमेटी तो बुलाकर बताना तो पड़ेगा ना कि कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी मीडिया में है, लोगों से मिलते हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हूँ, बात होती है और जनता की भी बात होती है। देखिए, जनता की उम्मीदें बहुत थी, लेकिन इस तरह की ना युवाओं को ना महिलाओं को ना किसी और को दिया। और जो वन स्टेट वन इलेक्शन, इससे पहले यूसीसी की भी इन्होंने बात की थी कि एक तरह करेंगे, लॉ की भी इन्होंने बात की थी वो एक तरह से करेंगे, लेकिन वो चीज़ें ग्रास रूट पर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाई है। और इसी तरह ये भी जो झुंझुना इन्होंने पकड़ा तो दिया है, लेकिन ये झुंझुना आने वाले टाइम पे इनकी जो रिपोर्ट आएगी वो बता देगी कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो नहीं पाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटराइज चीज़ें हैं तो दो आदमी तो वोट दे कैसे सकता है, दो जगह दे ही नहीं सकता, वो वैसे ही नहीं दे सकता। मैपिंग हर जगह चल रही है, आधार कार्ड जो कांग्रेस लेकर आई उसने मैपिंग कर दी है, कोई व्यक्ति का अगर दूसरी जगह नाम है तो अपने आप पता लग जाता है। जी पंकज जी, कुछ कहना चाह रहे हो? दो चीजें थी, आपने कहा मैपिंग कर दी है। भैया अभी तक जो है सरकार के पास में जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं उसका डाटा शायद आपके पास नहीं है कि डिजिटल फ्रॉड में छोड़िए आप कितनी पोजीशंस हैं। तो ये जो मैपिंग है ना, मैपिंग केवल ये है कि आदमी का जो है दूसरा जो है उस पर नहीं बनेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन की जो है रेगुलराइजेशन आप ही से अभी भी है। तो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी, इन्होंने कहा कि बजट का जो है कहीं नहीं लिखा, मतलब आप देखिए बड़े अजीब पार्टी है, मतलब आप देखिए कि अब जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही जो ये कह रहे हैं कि साहब कहीं चर्चा नहीं थी। मुझे लगता है या तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी पेपर नहीं पढ़ती है, या जो है मीडिया नहीं देखती है, या लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया ने पत्रिकाओं ने अपना पूरा रोल, देखिए जो भी था, अच्छा था बुरा था सब कुछ था, वो बखूबी निभाया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चर्चा नहीं होना मतलब बड़ी अजीब सी पोजीशन है कि ऐसी पार्टियां जो है इस टाइप के जो है। मैं चलिए वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं सुराना साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है कि इलेक्शन बहुत सारे कंट्रीज में है भी एक साथ चुनाव निपटाने का जो है निपटाना सॉरी क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन एक साथ क्या फायदा हो सकता है और क्या वाकई ये धरातल पे संभव है? देखिए सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल संभव है, लेकिन वही है प्रैक्टिकल में कितनी समस्याएं आती हैं। इसी के लिए इन्होंने भी ये भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए इन्होंने पहले कमेटी बनाई है कि भाई प्रैक्टिकली देखेंगे, हो सकता ना भी करें, कमेटी की रिपोर्ट आने पे ये डिपेंड करेगा। मेरा ध्यान इस ओर मैं आकर्षित सबका करना चाहूँगा कि इससे पहले जो निकाय के हेल्थ के लिए ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, अभी तक निकायों के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है और हम हाथों हाथ देखते हैं कैसे 10 के 10 15 जनों का निकाय और 10 के 10 लोग दूसरी पार्टी में चले जाए, वो तो अच्छा जाना कोई गड़बड़ नहीं है, दो जने भी चले जाते हैं बिना 2/3 मेजोरिटी के, वो भी अलाउड है। ये चीज़ सबसे पहले हटनी चाहिए कि लोअर लेवल पे ही जनतंत्र अगर थोड़ा सुदृढ़ नहीं होगा तो ऊपर लेवल पे तो खैर और स्ट्रेडिंग होनी ही होनी है। तो पहला काम ये जो कि पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन है, इस अधिनियम को लाएं। मेरे ख्याल से सभी लोग इसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस बीजेपी किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है निकायों की आर्थिक स्थिति को सही करना। निकाय अभी सारे के सारे कटोरा लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाते हैं, उनकी खुद की जो इनकम वाली स्थिति थी जो पहले चुंगी वगैरह से होती थी और जो होती थी, खुद की इनकम की कुछ इनोवेटिव तरीके से इनको सोचना चाहिए जिससे निकायों की खुद की इनकम भी बढ़े, जिससे कि निकाय अपने काम खुद कर सकें। कई बार तो बजट के अभाव में बहुत से काम नहीं होते, सफाई नहीं होती, पता चलता है ठेकेदारों का भुगतान ही नहीं हुआ, पता करोगे क्यों नहीं भुगतान हुआ तो पैसे ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें एक साथ, एक वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और आशा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान देगी और इस पर भी कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल करेगी। जी बिल्कुल, अनिल आपके पास में आना चाहूँगा। क्या चर्चाएं क्या हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से बात भी हुई है और क्या मानना उनका, क्योंकि देखिए जिसका
टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है वो तो चाहता है कि ठीक है, लेकिन जिसके बाकी हैं एक साल दो साल, वो लोग चाहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों? देखिए बिल्कुल, जिस समय वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हुई थी तो पब्लिक में एक पॉजिटिव मैसेज देखने को मिला था। जनता तो चाहती है कि बार बार चुनाव के झंझट से छुटकारा मिल जाए, एक साथ जब चुनाव होते तो उसी समय क्यों ना लोकसभा के साथ में विधानसभा के चुनाव हो जाए, और अगर संभव है तो निकाय और पंचायत के चुनाव भी अगर उसके साथ में हो सकते हैं तो बार बार जो आचार संहिता लगती है, विकास कार्य ठप हो जाते हैं। हम राजस्थान में हमने देखा कि पहले विधानसभा के बाद में सरकार बनी बीजेपी की, लोकसभा की आचार संहिता लग गई तो सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पाई, अब फिर से बजट आने के बाद में कुछ रफ्तार बढ़ी है। तो अगर एक साथ चुनाव होंगे, हालांकि राजस्थान में अभी जो बजट में ऐलान किया गया है वन स्टेट वन इलेक्शन का, इसमें फिलहाल जो निकाय और पंचायत चुनाव को कराने की कोशिश यहाँ पर है, ये कहा जा सकता है कि जो अवधारणा लेकर चली जा रही है और जो मिशन है, जो मकसद इसमें साफ तौर से नज़र आ रहा है सरकार का, वो ये है कि बार बार जो व्यवधान आता है, सरकार का ध्यान जरूर जाता है किसी भी पार्टी का हो, निकाय का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, उधर फोकस जरूर होगा, कुछ डायोजन होगा, आचार संहिता लगेगी तो कुछ जो अच्छे काम काज हैं वो भी कहना कि ठप होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होंगे, एक साथ पूरा जो कंपाइल चुनाव करवा लिया जाएगा, तो बार बार जो इलेक्शन का जो झंझट होता है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, और इसी मेरिट के आधार पर पब्लिक का सपोर्ट जरूर इसमें देखा जा सकता है। हालांकि जनप्रतिनिधि और पार्टियों में इसकी अलग अलग राय है, विपक्ष कहती है कि सत्ता पक्ष का सही कदम नहीं है और जो इलेक्शन से लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं इसमें डैमेज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, जो अवधारणा लेकर अगर सरकार चल रही है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरती है। तो ये जरूर है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर अवधारणा को पूरा करना है तो ये कदम कहीं ना कहीं सकारात्मक होगा, और इसके बाद में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो ये उस दौरान ये कहा जा सकता है कि ये जो कदम यहां पर राजस्थान से उठाया जा रहा है उस दौरान तमाम जो चुनाव हैं उनको एक साथ कराया जाना संभव हो पाएगा। भरत, कोई ऐसी चीज लग रही है आप में, आपको इसमें कि ये खामी है, जैसे सुराना साहब ने बात बताई कि चलिए इसके साथ साथ वाकई अगर मजबूत किया जाता है, आप लोग तो आप और पंकज जी तो खुद रूबरू हो चुके हैं, फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, और दूसरी उसके अलावा एक ये जो दल बदल वाला है ये भी लाया जाना चाहिए, लेकिन खैर बात यहाँ इलेक्शन से जुड़ी हुई है, अगर होता है गवर्नमेंट लेके आती है तो इसमें कहीं कोई बुराई नज़र आती है आपको? नहीं, बुराई तो नहीं है, देखिए हाँ इसमें बुराई तो कोई नहीं है, जो जो राज्य सरकार जिसकी भी होती है उसके पास ये पावर होता है अधिनियम के अंतर्गत के वो नगर पालिका अधिनियम के अंदर ये नियम भी बनाया हुआ है कि वो डिलिमिटेशन कर सकती है, वो चुनाव किस हिसाब से संपन्न करा जा सकता है, और नगर निगम पंचायतों का अगर एक साथ चुनाव होता है तो सरकार करेगी तो वो करना भी पड़ेगा। लेकिन जो बात मैंने बताई फाइनेंशियल क्राइसिस जो नगर निगम की बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए बजट जो भी आता है उसमें ज़्यादातर ध्यान विधानसभाओं का दिया जाता है या एमएलए का दिया जाता है, कभी भी नगर निगम की मीटिंग को लेकर या नगर निगम की फंड को लेकर उस पर बात चर्चा नहीं की जाती, अलग से नगर निगम के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, फाइनेंस कमीशन केंद्र का ये कहता है कि भाई इतना पैसा आपको नगर निगम को देना पड़ेगा वो नहीं दिया जाता, जो एंटी बिल की बात की वो बिल्कुल एंटी बिल भी होना चाहिए उसके अंदर जिस हिसाब से, क्योंकि कई चीज़ें देखी जाती है कि जब इधर से उधर लोग जाते हैं तो अधिकांशतः पार्षद भी उस समय साथ में चले जाते हैं जिस तरीके से, तो जनता को भी जो विकास कार्य ठप हो जाते हैं, विकास कार्य हो नहीं पाता। और अभी जो मैं कई बार अपने कई चैनलों पे भी इस बात को मुद्दे को उठा चुका हूँ कि आज भी हम नगरपालिका अधिनियम 2009 से गवर्न होते हैं, और ये जो है वो मेट्रो एक्ट लाया जाना चाहिए, हम जयपुर को मेट्रो सिटी का दर्जा देते हैं, स्मार्ट सिटी का दर्जा देते हैं, तो यहाँ नगरपालिका की जगह मेट्रो एक्ट से काम होना चाहिए, पार्षदों को भी और मेयर की जो पावर है उस पावर को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो सब जरूरत की बातें हैं, सरकार है नहीं, अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा मैन पावर नहीं है हमारे पास इतनी, अगर इलेक्शन जो भी सरकार होगी उसकी टेंशन है कि वो कैसे कराएगी इलेक्शन, जो मैन पावर अगर कुछ लेके आए तो उनके अपनी भी तो कुछ सोच होगी। कमेटी बनी है, अभी कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, कमेटी किस तरीके से उन चीजों को देखती है, पब्लिक से क्या ग्रीवेंसेस इसमें आती है, वो सब देखना पड़ेगा। अब घोषणा तो आपने कर दी है, कमेटी का भी आप गठन कर रहे हैं, इस साल जो चुनाव होंगे क्या वो चुनाव हो पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज डिलिमिटेशन किस तरह से होगा, क्या डिलिमिटेशन विधानसभा डिलिमिटेशन को ध्यान में रखकर किया जाएगा या उसके बाद किया जाएगा, या इसको प्रशासक लगाकर इन चुनावों को आगे बढ़ाया जाएगा। टेंटेटिव डेट भी अभी इन्होंने बताई नहीं, क्योंकि 1.5 साल बाद तो नगर निगम के भी चुनाव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उससे पहले चुनाव कराना भी जरूरी होता है नियमों के अनुसार, तो क्या प्रशासक लगाएंगे या किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। पंकज जी, कुछ अभी पिछली सरकार ने कुछ नई पंचायतें और लोकल बॉडीज़ की कुछ नई जगह चिन्हित करके उन्हें अस्तित्व में लेके आए, कुछ पंचायतें हैं उन्हें शिफ्ट भी किया गया वार्ड के हिसाब से, जैसे भी
अब वहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि कुछ लोगों से जो मेरी विधानसभा में भी बात हुई कि वहाँ टाइम कम है अभी, मतलब हुआ ही नहीं उनका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो यहाँ अगर मान लो क्योंकि अब तो मेयर भी हैं और पार्टी स्तर पर भी हो सकता है चर्चा हुई हो, मैनिफेस्टो में तो हालांकि ये बात थी नहीं आपके, लेकिन घोषणा है, दोनों बातें आ रही हैं इसके सामने कि ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इलेक्शन में लोगों का वोटिंग राइट है और हमारे यहाँ वोट डालना उचित भी समझते डालते भी हैं, लेकिन पब्लिक यही चाहती है कि इलेक्शन एक बार होके ख़त्म करें। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि लोकसभा से लेकर के पंचायत तक के चुनाव आप एक साथ ही करवा दीजिए ताकि 15 दिन 20 दिन महीने भर एक साथ में सारा काम खत्म, उसके बाद में बाई इलेक्शन एक अलग चीज़ है, कभी होगा या सरकार किसी की गिर गई वो एक अलग मैटर है, लेकिन पूरा देश प्रभावित नहीं होता है उससे। यह आपको लगता है कि कंप्रोमाइज़ किया जाएगा कहीं पे, कहीं आपकी पार्टी के लोग बने हुए हैं, कहीं इनकी पार्टी के लोग बने, कहीं इंडिपेंडेंट बने हुए हैं, या गवर्नमेंट अगर ऑर्डर जारी करेगी तो सारी चीज़ें होंगी, या फिर हमें कमेटी का डिसीजन जो है उसका इंतज़ार करना चाहिए? नहीं देखिए, किसी भी चीज़ को इतना बड़ा डिसीजन होता है तो डेफिनेटली उस पर जो है विचार होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जो है आवश्यकता भी है कि कहीं भी जो है उसमें कोई खामी नहीं रह जानी चाहिए, कि कोई इलेक्शन जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो इसलिए डेफिनेटली जो है समिति बना करके उसकी जो भी इफ एंड बट्स हैं वो लिए जाने चाहिए, इसमें कहीं कोई दोहराने वाली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ लोग इलेक्शंस अभी हैं कुछ ये हैं, देखिए इलेक्शंस आप देखेंगे तो 2019 के ड्यू इलेक्शन 2020 में हुए थे, एक साल लेट हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा होगा या ये होगा, यहाँ तक कि पिछली सरकारों को आप देखेंगे तो करीबन 20-24 साल जो है बाद 94 में इलेक्शन जो है शुरू हुए, उसके पहले इलेक्शन ही बंद कर दिए गए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो निकाय हैं, निकायों का जो बेसिकली एक स्वतंत्र जो स्वरूप है वो दिखना चाहिए, केवल बना करके छोड़ देना ये नहीं होना चाहिए। जो मेज़र बातें आपने कहा कि भाई इससे कैसे होगा क्या होगा, अभी हमारे साथी नोएडा की डिलिमिटेशंस का ये है, देखिए एक वार्ड का यदि आप देखेंगे वर्तमान परिस्थिति देखेंगे तो एक वार्ड के अंदर 14 से 15 हज़ार वोटर का जो है बेसिकली एक वार्ड है, तो आप देखेंगे डिलिमिटेशन जब होते हैं तो केवल और केवल यदि एक या दो वार्ड्स का यदि फर्क पड़ता है तो पड़ता है, अदरवाइज पड़ता नहीं है, तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट जो है आप देखें तो उसमें पड़ता नहीं है कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि लगा विधानसभा का जो डिलिमिटेशन होगा वो सेंटर के द्वारा होगा और उसकी परिधियाँ और उसकी जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट होंगी, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, आपने इससे पहले जो परिसीमन हुआ था उसमें भी जब परिसीमन हुआ था तो वार्ड, क्योंकि इलेक्शन नहीं होते कि इलेक्शन एकदम टूट जाते हैं, उस टाइम भी जब इलेक्शन हुआ था तो क्लियर कट जो है उनका डिवीजन था और उसी के अनुसार जो है वो वार्ड थे। तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की कोई थ्योरेटिकल आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। और मैं सबसे बड़ी बात जो है अभी स्मरण साहब ने जो कहा कि वास्तविकता बात है कि जो मजबूती है, जो बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो फाइनेंशियल्स होनी चाहिए वो डेफिनेटली लगातार यदि हम बात करें तो बहुत टाइम से चलती हुई आई हैं, लगातार चलती आई हैं। अब मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला, जैसा उन्होंने कहा हमारे साथी, उन्होंने कहा कि सर सरकारें दें, देखिए सरकार जो है डेफिनेटली सरकार उतना ही दे पाती हैं जितना बेसिकली उनके पास है, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद देखेंगे तो इस टाइम यदि पूरे देश के अंदर सबसे यदि कोई धनवान यदि मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो वो BMC है, बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है बृहत है, जिसके पास में अपने जो है रिजर्व्स हैं और अपने पास जो है एडवांस फंड्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन उनका रीज़न आप देखेंगे कि कारण क्या है, तो वहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि शहर की बसावट, वहाँ के टैक्सेस, क्योंकि आदमी टैक्सेस तभी पे करेगा जब आप उसको फैसिलिटीज़ देंगे। तो इस चीज़ का मैं एक मिनट आपको दखल दूंगा, खैर आप तो मेयर रहे, मुझे लगता है किसी कॉन्फ्रेंस में भी गए होंगे। देखिए एक तो पॉलिटिकल दखल नहीं है वहाँ पे, मेरी भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं गया तो एक बार मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा उनसे वहाँ, मतलब अगर पैसा देना है तो देना है, कोई रिलैक्सेशन ऐसे नहीं है कि चलो आप इसको छोड़ देना। और मैं दूसरा एक जो हमारे दर्शक हैं, मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा, अगर कोई पेपर चलता है आपकी पेनल्टी बनी हुई है एक बार के लिए, मेयर साहब के कहने से या किसी कहने से रुक भी जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, बोलती रहेगी, आगे आएगी वो। तो ये हमें, मुझे लगता है कि आदत में भी बनानी चाहिए कि उसको वास्तव में एक व्यवहारिक बना करके लोगों में आदत डाली जाए कि हाँ पैसे देने हैं, ये आदत बनती है। आप लोगों के तो यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, वो उगाही से ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है। मैंने आपको कहा ना कि दोनों ही चीज़, देखिए आपने जो कहा मुद्दा नहीं है, बिल्कुल आपने कहा, देखिए मैंने कहा ना कि आप जब चीज़ें होगा, क्योंकि देखिए सिटीजनशिप जो है ना, क्योंकि आपने कहा कि
पहले भी आपने देखा तो 2007 के आसपास जो है सिटी मैनेजर जो है कंसेप्ट हम लेकर के आए थे, सिटी मैनेजर कंसेप्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल मुंबई जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बैंगलोर को भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक बैंगलोर भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने आप में ठीक है और अपने आप की पोजिशन ठीक करता है। अब जो बात आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल आपने मुद्दे की उठाई कि उसमें जो चीज़ें हैं आप चाहेंगे कि एक छोटी नगर पालिका इन चीज़ों को बेसिकली कर पाएगा तो शायद वो अभी इमीजिएटली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि खास करके जो राजधानी के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है निगम हैं और जो बड़े निगम हैं जहाँ पर बेसिकली अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ आप सिविलाइजेशन और लोगों में ये चीज़ पैदा कर सकते हैं कि इन चीज़ों का पैसा आप देंगे तो जो है उसका जो है आपको फंड्स मिलेगा। अभी आप देखें तो डेफिनेटली सरकार की पब्लिक भी पूछती है, मैं समझने का सरकार किसकी है, पब्लिक भी पूछती है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में तीन जो है मदें जो हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुड़ी हुई आती हैं, सफाई चार्जेस भी आ जाते हैं और ये जो है अर्बन टैक्स के रूप में भी जो है सेस के रूप में पैसा आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ें उनके द्वारा जो है जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों वो भी क्लियरेंस होने चाहिए कि एक वक्त ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिल करके कह दें कि आज के बाद कम से कम आपका जो पैसा है वो हम देंगे और आप हमारा पैसा आप हमें देंगे। बिल्कुल, चलिए कमेटी की जब रिपोर्ट आएंगे तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को से उम्मीद होगी कि बहुत सारे लोग जाके कमेटी को ये भी बताएंगे कि ठीक है आप इलेक्शन तो एक साथ कराइए, वाकई दल बदल कानून जो है, आप किसी के पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हो, एक घंटे बाद ही अगर आपको कैंडिडेट नहीं बनाया या दूसरा आपका काम नहीं हुआ तो उसमें बदल जाते हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये सभी पार्टियों के लिए और सभी को इसको फेस भी करना पड़ा है, कहीं पर है नहीं, एक रात के अंदर सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जीत के कौन आ रहा है और बैठ कौन रहा है, तो ये भी मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए सरकार को, जब इलेक्शन उस पर जाएंगे तो इस पर भी गौर करना चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा में अगर है तो आप यहाँ पे भी करिए। और दूसरा एक इसका कैलेंडर ज़रूर बनाना चाहिए कि हाँ इतने टाइम पे चुनाव होगा, अभी जैसे 86 लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन होना है लेकिन अभी पता चल रहा है कि इसे टाला जाएगा, समय पर होना चाहिए, जो डिसीजन करना हो आपको 5 साल का टाइम मिलता है, अगर चुनाव सर पे भी हैं तो उससे ठीक पहले इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए कि अगर आपने पंचायत राज को मजबूत करना है, कोऑपरेटिव को मजबूत करना है या आपको लोकल बॉडीज को अगर मजबूत करना है तो उनका एक सिस्टम आपको बना के रखना होगा ताकि पब्लिक भी इसे गंभीरता से ले। 94 तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे, उसके बाद में चुनाव हो रहे हैं, फिर अगर एक साल का भी गैप हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं कि गैप क्यों हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर गौर करना चाहिए। तो सर लगता है कि कमेटी के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि एक सिस्टम भी वैसा ही बने ताकि जनता का भरोसा पंचायत राज हो या लोकल बॉडीज हो उस पर बना रहे। सुराना सर। हाँ योगेंद्र, देखिए मैं दो पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो देखो तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा ना तब तक कोई भी चीज़ मजबूत नहीं है, सब कागजों में रह जाती है। और पहला जो मेरे 2-3 सुझाव थे कि दल बदल पे कानून बनना चाहिए, रादर अब तो ये स्थिति आ गई कि 2/3 वाला भी फेल हो रहा है, अगर ने आपने किसी सिंबल से लिया तो आप रिजाइन कीजिए और दोबारा लड़िए, ये स्थिति आ चुकी है। लोकसभा विधानसभा सब में ये कानून पारित होना चाहिए, नहीं तो जो हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों में कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है इसकी, कितनी बार सरकारें इधर से उधर हो गई। तो अगर आप किसी सिंबल पर जीत के आए हैं तो आपको रिजाइन ही करना पड़ेगा, ऐसा तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट करें हम छोटे निकाय चुनाव में ऐसा करके। दूसरा मेरा एक आइडिया था कि जो कमेटी बन रही है उसमें बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार को भी विपक्ष के लोगों को भी नॉमिनेट करना चाहिए, 60% खुद रहें 40% विपक्ष के लोगों को भी रखें ताकि सबकी बात, जैसे प्रवर कमेटी काम करती है उस तरह की भावना से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होगी। तीसरा मेरा एक ये था कि सुझाव की आइडिया बहुत अच्छी है, खर्चा भी बचता है इससे, आचार संहिता वाला इशूज़ भी है और लोग बार बार चुनावी मोड में रहते हैं तो काम डेफिनेटली खाली लीगल ही नहीं है लेकिन डिस्टर्ब तो होता ही है, अगर उतने अफसर ही जा रहे हैं तो 7 दिन के लिए डिस्टर्ब हो गया। तो एक ये करना चाहिए कि अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो 1 state 2 इलेक्शन से स्टार्ट करें, 3 इलेक्शन से स्टार्ट करें, एटलीस्ट जो अनगिनत है उस पर तो लगाम लगाएं। हो सकता है पहले फेज में हम 1 state 3 इलेक्शन कि चलो भाई हम इन 3 महीनों में ही जो जो आ रहे होंगे आसपास, तो कई लोग दुखी नहीं होंगे, किसी को 9 महीना ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को ये हो जाएगा, इस तरह के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिर उसके बाद में हो सकता है हम 1 state 2 इलेक्शन कर लें और फाइनली वी अचीव 1 state 1 इलेक्शन कर लें। ये 2-3 मेरी आइडियाज़ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर एक साथ में नहीं करा पाते हैं तो कुछ स्टेप बाय स्टेप, पूरा नहीं तो आधा सही, बिल्कुल, लेकिन 0 से तो बेटर है वो। जी बिल्कुल। अनिल आपको लगता है कि कमेटी के पास में कुछ सुझाव ऐसे जाएंगे? देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कमेटी कमेटी के बाद में
रिपोर्ट क्या देती है, रिपोर्ट का एग्जामिन किया जाएगा, फिर वो ऐसे नहीं बाकायदा हाउस में आकर के कानून बना करके फिर इसको एक साथ किया जाएगा, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो भरत जी कह रहे हैं कि रोक दिया गया है, अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तो ऐसे में लगता है कि इससे इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। कमेटी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने की बात हो कि आप शीघ्र रिपोर्ट दें इसकी? देखिए, कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करेगी। ये जो डिसीजन है इसको राजनीतिक पहलू से देखने के बजाय प्रदेश की जनता के लाभ के हिसाब से अगर देखा जाए वो काफ़ी अच्छा भी होगा और जनता के लिए हितकारी भी कहने की कहा जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि राजस्थान में तो ये तो 5 साल में सरकार बदलती रहती है और दिल्ली में भी अगर बदलती है तो उस सीनियरियो में अगर ये देखा जाए तो इनके लिए भी, जो कांग्रेस पार्टी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा। क्योंकि हमने देखा है जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो अशोक गहलोत जी खुद कहा करते थे कि जो बार बार इलेक्शन होते हैं इन चुनावों के चलते राजस्थान की विकास की गति ठप होती है, सरकार का ध्यान भी उस तरफ जाता है। तो इस डीमेरिट से बचने के लिए ये जो पहल यहाँ पर बजट में ऐलान यहाँ पर किया गया है तो काफ़ी अच्छी इसकी सराहना कही जा सकती है और इस पर काम भी होगा। क्योंकि सरकार ने अगर बजट में कहा तो कुछ काम होगा, कमेटी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देगी, किस तरह से होगा, किस रूट मैप से यहाँ पर आगे बढ़ेगी सरकार, ये भी कहीं ना कहीं तय किया जाएगा। 2 इलेक्शन या 3 इलेक्शन जिस तरह सुराना सर ने भी कहा है, अगर इस और आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि अगर कदम नहीं बढ़ाया जाएगा तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, तो ऐसे में पहल जरूर करनी यहाँ पर होती थी। और इस पहल करने के अंदर 2-3 स्टेप में अगर अलग अलग चुनाव भी यहाँ पर करवाए जाते हैं, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए, पंचायत चुनाव 5 साल में 6 बार के करीब पंचायत चुनाव बार बार में होते हैं, और इसी तरह के अगर निकाय निगम के चुनाव को देखा जाए तो 1 दर्जन बार अलग अलग जो चुनाव वो यहाँ पर आते हैं। तो इन इलेक्शंस को देखकर, क्योंकि एक काफ़ी व्यवधान होता है इन चुनावों को देखते हुए, अगर इनको कंपाइल यहाँ पर कर दिया जाता है और आने वाले दिनों के बाद में अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो कुछ बेनिफिट होंगे। हालांकि डीमेरिट जरूर होता है कि जो वोटर वोट कास्ट करने के लिए जा रहा है, लोकल बॉडी स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसके गली मुद्दे क्या हैं, उसके आसपास के क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, वो निकाय और पंचायत चुनाव में आते हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव के साथ होंगे तो वहाँ पर कुछ हो सकता है कि जो मतदाता है वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के मुद्दे पर वहाँ पर वोट कास्ट कर दे, या फिर छोटे दल जो हैं वो हो सकता है कि इस तरह के एक वन स्टेट या वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर उनको कुछ खामियां जहाँ पर भुगतना पड़े। लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्र के हित में कहीं ना कहीं ये कदम सकारात्मक कहा जा सकता है और इसके कहीं ना कहीं आगामी जो परिणाम है वो बहुत अच्छे नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज पे भी इसका असर आ सकता है, कि बेहतर हो सकता है। खैर, अच्छा आइडिया है, लेकिन अब देखो सरकार कैसे इसे लागू करेगी, ये बड़ी बात है। हालांकि ये कदम भी सहज नहीं है, अगर सरकार करती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जनहित का एक डिसीजन होगा, किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। बस बात यह है कि सहमति बना करके इसे लागू कैसे करते हैं और कमेटी के पास में जो सुझाव आएंगे वो कैसे क्या आते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, जैसे सुराना साहब ने कहा कि 1 टाइम नहीं तो 2 टाइम 3 टाइम पे करके इसको कंप्लीट करना चाहिए और बाकायदा एक कैलेंडर बनाना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर भी इसे फॉलो किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।